अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काइंडली मेरे चैनल नॉलेज अरीना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम निशान है और नॉलेज अरीना में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पीड टेस्ट जो कि हम करने वाले हैं नोकिया 7 प्लस वर्सेज ओप्पो S7। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको फौरी मिल सके। दोस्तों, ये मेरे पास है नोकिया 7 प्लस, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कॉपर गोल्ड में, और ओप्पो F7 मूनलाइट सिल्वर कलर में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओप्पो F7 की, तो मैं जल्दी से आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। दोस्तों, ओप्पो F7 हमें मिलता है 6.23 इंच एक IPS HD पैनल, HD प्लस पैनल में, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2080 है। और दोस्तों, इसमें हमें खूबसूरत सा 9:9 एस्पेक्ट रेटियो का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक नॉच के साथ आता है। और दोस्तों, इसके अंदर हमें पाकिस्तान में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक 4GB 64GB, एक 6GB 128GB। दोस्तों, 4GB 64GB की पाकिस्तान में प्राइस लगभग 40,000 के करीब है और 6GB 128GB की 50,000 के करीब है। दोस्तों, इसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है मीडिया टेक का हीलियो P60। दोस्तों, हीलियो P60 को जब मीडिया टेक ने लॉन्च किया था उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये मीडिया टेक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है स्क्रीन की, तो हमें इसमें मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और दोस्तों, ये एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ आता है। उसके बाद इसमें जो आपको देखने का मिलेगा वो ओप्पो का अपना OS है जो कलर OS कहलाता है, वो उसका वर्जन जो इसमें है वो है 5.0। दोस्तों, अगर कैमरे की बात की जाए तो बैक पर आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट के ऊपर आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि AI को सपोर्ट करता है। दोस्तों, उसके बाद अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, तो दोस्तों इसमें जो बैटरी देखने को मिलती है वो हमें मिलती है 3400 की। और इसमें जो अगर बात की जाए इसके सेंसर्स की, तो दोस्तों बैक के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, फ्रंट पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा इसमें जायरोस्कोप है, प्रॉक्सिमिटी है, कंपास है, एक्सेलेरोमीटर है, और दोस्तों यहाँ पर वही पुराना माइक्रो USB। दोस्तों, अगर बात की जाए नोकिया 7 प्लस की, तो नोकिया 7 प्लस को पाकिस्तानी मार्केट में कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है और ये डिवाइस अपनी खूबसूरती के हिसाब से पूरी वर्थ रखती है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो कलर आता है वो ब्लैक विथ कॉपर गोल्ड। और जल्दी से हम इसकी स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, नोकिया 7 प्लस 6.0 इंच LCD के साथ आता है, इसमें 18:9 एस्पेक्ट रेटियो का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बैक के ऊपर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल। फ्रंट के ऊपर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 660 और ये 4GB रैम के साथ आता है। दोस्तों, अगर बात करेंगे इसकी बैटरी की, तो दोस्तों इसके अंदर एक बहुत एफिशिएंट बैटरी है जो कि 3800 mAh की है, और दोस्तों ये USB टाइप की और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर बात करेंगे इसके सेंसर्स की, तो दोस्तों इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जायरोस्कोप देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलता है, कंपास देखने को मिलता है, और दोस्तों इसमें फेस अनलॉक का कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों ये भी शिप होता है नोकिया एंड्रॉयड 8.1 के साथ, और ये एंड्रॉयड 1 का टैग इसको दिया गया है। इसमें आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स फौरी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आए इसका स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके गीक बेंच के स्कोर्स क्या हैं और कुछ ऐप्स को रन करके देखेंगे कि कौन पहले जल्दी जल्दी काम करता है अपना। तो आए दोस्तों दोनों डिवाइस को ऑन करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस ने स्टार्टअप मोड ऑन कर लिया है अपना, ओप्पो F7 वर्सेस नोकिया 7 प्लस। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ओप्पो F7 पहले ऑन हो गया है और नोकिया 7 प्लस अभी ऑन होने के मराहिल में है, और यहाँ पर ये भी ऑन हो गया है। दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर नोकिया को बीट किया है ओप्पो F7 ने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ओप्पो F7 के गीक बेंच के स्कोर दिखाता हूँ। ये मेरे पास, हम इस ऐप को ऑन करेंगे और मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं दोस्तों, तो हम यहाँ पर आएंगे हिस्ट्री में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसका सिंगल कोर स्कोर 1511 है और इसका मल्टी कोर स्कोर 5772 है। दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको नोकिया 7 प्लस का स्कोर दिखाता हूँ। तो हम आते हैं दोस्तों गीक बेंच स्कोर में।
3 के अंदर आते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं दोनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। नोकिया 7 प्लस का सिंगल कोर स्कोर 1652 है, मल्टी कोर स्कोर 5856 है और ओप्पो F7 का सिंगल कोर स्कोर 1511 और मल्टी कोर स्कोर 5772। तो दोनों जगहों पे नोकिया 7 प्लस ने इसको बीट किया है Geekbench में। तो दोस्तों हम इसकी एप्लीकेशन कुछ रन करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले एप्लीकेशन लोड करता है। दोस्तों सबसे पहले हम डायलर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ओप्पो F7 यहाँ पर फर्स्ट रहा। दोस्तों इसी के साथ हम मैसेजेस की ऐप को ऑन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मामला टाई रहा। दोस्तों इसके साथ ही हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर को। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही एक साथ ओपन हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम ऑन करते हैं व्हाट्सएप को। दोस्तों यहाँ पर भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रहा। और दोस्तों हम यहाँ पर अब एक गेम को लोड करते हैं जो कि है सबवे सर्फर्स। तो दोनों को देखते हैं कौन पहले लोड करता है। और दोस्तों ओप्पो का ये जो गेम एक्सेलरेशन का मूड है ये बहुत अच्छा मूड है। ये बैकग्राउंड ऐप्स को जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होने देता। दोस्तों आप देख सकते हो कि नोकिया 7 प्लस ने अपना बोर्ड पहले कंप्लीट कर लिया है और ओप्पो जो है वो पहले उसमें ऑप्शन आया था गेम कुछ का और फिर उसके बाद ऑन हुआ। इसी तरीके से हम टेम्पल रन 2 को लोड करते हैं, देखते हैं पहले कौन सा मोबाइल इसको पहले लोड करता है। दोस्तों नोकिया 7 प्लस आई गेस लगता है कि पहले इसको लोड कर लेगा। या दोस्तों नोकिया 7 प्लस ने ओप्पो F7 को बीट किया है इस गेम टेस्ट में और हम इसको बैक करते हैं। हम इसको भी बैक करते हैं और हम ओपन करते हैं दोस्तों फेसबुक। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं अगेन नोकिया 7 प्लस ने पहले ओपन किया है फेसबुक को। दोस्तों हम एक और एप्लीकेशन को रन करते हैं और ये है रेसिंग। देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन विन करता है। अच्छा दोस्तों नोकिया ओप्पो F7 में इंस्टॉल प्ले गेम का ऑप्शन लग रहा है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं। और दोस्तों हम इसमें करते हैं यूट्यूब को। दोस्तों यहाँ पर ओप्पो F7 आगे रहा है, इसको भी हम बैक करते हैं और हम सेटिंग ऑन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर तकरीबन दोनों सेम रहे हैं। और दोस्तों ओप्पो F7 भी किसी फ़ोन किसी परफॉर्मेंस से कम नहीं है और नोकिया 7 प्लस की परफॉर्मेंस भी कमाल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मुझे तो पर्सनली नोकिया 7 प्लस बहुत पसंद है और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड है तो मुझे दोस्तों पर्सनली ये फ़ोन बहुत अच्छा पसंद है। लेकिन अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरे के अंदर ओप्पो में फ्रंट सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि कमाल फोटोग्राफी करता है। बैक के ऊपर इसके 16 मेगापिक्सल है, इसके ऊपर बैक डुअल कैमरा सेटअप है। तो दोस्तों इस प्राइस फैक्टर के अंदर जो ओप्पो और नोकिया 7 प्लस की है तो चॉइस आपकी है। दोनों फ़ोन एक दूसरे को साथ कंपीट करते हैं। नोकिया 7 प्लस कुछ फैक्टर्स में अच्छा है, ओप्पो F7 कुछ फैक्टर्स के अंदर अच्छा है और मुझे पर्सनली अगर मेरे ओपिनियन की बात करेंगे तो मुझे नोकिया 7 प्लस ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरे लिए कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको फौरी मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ दिशान गोइंग टू बी ऑफ। टेक केयर। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।